आप मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि आप नई मशीन भी ले सकते हैं, जिससे मैंने बताया आप यूज़ में भी मशीन ले सकते हैं। आपके पास कोई बंदा है या देख लें, आप मार्केट में यूज़ में बड़े लोग बेच रहे होते हैं, तो यूज़ में भी आप मशीन 50-60 लाख रुपए की ले सकते हैं। और लेकिन फ़र्क उस पर यह पड़ जाता है कि थोड़ी सी उसकी जो क्वालिटी है ना उसमें, या जो उसकी प्रोडक्शन है उसमें फ़र्क आएगा, जो उसकी आउटपुट होगी ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बस और कोई मसला नहीं है। मैं कि यहाँ पे मिसाल कोट करूँगी, एक बंदा है मेरे जाने वाला, वो क्या करता है कि वो नई मशीन लेता है और उसको 3 साल यूज़ करता है, और जहाँ पर हम 1,000 की स्पीड रखते हैं वो 1,200 रखता है, और वो 3 साल के बाद वो उसको मशीन को बेच देता है, फिर नहीं ले देता है। यानी उन 3 सालों में एक तो उसकी मैकेनिकली लेबर बचती है, दूसरा उसको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलती है। तो हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नई मशीन नहीं लेते, वो यूज़ में लेते हैं। आप यूज़ में ले सकते हैं, अगर आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप यूज़ में ले लें। बरकत, ये मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा मैं, आपको अपडेट करता रहूँगा इस तरह के साथ। बहुत शुक्रिया।